तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थ्री इन टेक्स्ट का कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ़ द फॉलोइंग सोलूशंस सबसे पहले क्वेश्चन है थर्टी ग्राम ऑफ सी ओ एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस डॉट सिक्स एच टू इन फोर पॉइंट थ्री लीटर ऑफ सोल्यूशन तो इसमें हमको मोलैरिटी निकालना है तो देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है तो नंबर ए में गिवन क्या है गिवन है मेरा मास दिया हुआ है हमको सॉल्यूट का यानी कि सी ओ एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस डॉट सिक्स एच टू ओ का तो वो सॉल्यूट है हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको थर्टी ग्राम उसके बाद फिर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ ए बी मेरा है फोर पॉइंट थ्री लीटर अब हमको निकालना है मोलारिटी तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ ए बी इन लीटर तो यहाँ तो मेरा मास दिया हुआ है मोल नहीं दिया तो मोल के लिए हमको सबसे पहले मोलर मास चाहिए होगा तो हम मोलर मास लिखते हैं सी ओ एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस डॉट सिक्स एच टू ओ का तो कोबाल्ट का मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा 58.9 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 और तीन है तो इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू एच हो जाएगा मेरा वन uh, होता है एटॉमिक मास दो दिया हुआ है तो वन इंटू टू और प्लस सिक्सटीन मेरा ऑक्सीजन इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 291 ग्राम ये मेरा मोलर मास हो गया तो अब हमको निकालना है मोल्स तो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है जिसका आ, मास जिसका मोल्स निकालना है उसका मास गिवन मास यानी कि थर्टी बाय मोलर मास यानी कि टू हंड्रेड एंड नाइन्टी वन ग्राम तो ये मेरा मोल्स हो गया अब हमको निकालना है मोलारिटी तो मोलारिटी का फार्मूला होता है मोलैरिटी को एम से ये डिनोट कर, करते हैं मोलारिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ ए बी इन लीटर तो मेरा मोल क्या है थर्टी बाय टू नाइन्टी वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए भी मेरा दिया हुआ है लीटर में ही दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट पुट करेंगे फोर पॉइंट थ्री तो फिर मेरा हो जाएगा थर्टी बाय टू नाइन्टी वन इंटू फोर पॉइंट थ्री इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो टू फोर मोल पर लीटर मोल पर लीटर मेरा मोलरिटी का यूनिट होता है तो बस इसमें यही निकालना था हम लोग टू पॉइंट थ्री का ए नंबर देख लिए अब है टू पॉइंट थ्री का बी नंबर तो अब देखते हैं हम लोग बी नंबर इसमें हमें मोलारिटी निकालना है तो आ, किसका निकालना है थर्टी एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव एम एच टू एच ओ फोर डायल्यूटेड टू फाइव हंड्रेड एम एल इसमें हमको मोलारिटी एक दिया हुआ है और आ, वॉल्यूम दिया हुआ है और बोल रहा है कि हम उसमें डाइल्यूट किए यानी कि वाटर उसमें ऐड करके उसको उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया तो अब बोल रहा है कि जो नया वॉल्यूम आया उसका मोलारिटी क्या होगा तो देखते हैं गिवन क्या क्या है मेरा गिवन है सबसे पहले हमको मोलैरिटी दिया हुआ है जो जब डाइल्यूट नहीं हुआ था तो हम उसको एम वन लिखते हैं तो वो मेरा दिया हुआ है ज़ीरो पॉइंट फाइव एम एच टू एस ओ फोर का है तो हम जीरो पॉइंट फाइव एम लिखे हैं मोलरिटी उसके बाद जब डाइल्यूटेड नहीं था तब उसका वॉल्यूम यानी कि हम वी वन लिखेंगे वो मेरा दिया हुआ है थर्टी एम एल अब है आफ्टर डाइल्यूटिंग यानी कि हम उसमें वाटर ऐड कर दिए तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज थर्टी एम से चेंज हो गया वो हो गया मेरा फाइव हंड्रेड तो अब हमको पूछ रहा है कि जो डायल्यूट करने के बाद मेरा वॉल्यूम चेंज हुआ अब इस वॉल्यूम का मोलरिटी क्या होगा तो इसमें हम मोलर इक्वेशन लगाएंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू मोलर इक्वेशन एम वन वी वन यानी कि पहले का जो मोलैरिटी और वॉल्यूम है इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एम टू वी टू तो यहाँ पे मेरा m1 दिया हुआ है यहाँ पे हमको v1 दिया हुआ है v2 भी दिया है हमको निकालना है m2। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे m1 है 0.5 पॉइंट फाइव इन टू मेरा 30 दिया हुआ है इक्वल्स है uh, m2 एम नहीं दिया हुआ है एम निकालना है और v2 मेरा दिया हुआ है 500। तो m2 टू इंटू टू मेरा है 500। तो m2 मेरा क्या हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव इं थर्टी बाय फाइव तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.03 मोल पर लीटर जो कि मोलैरिटी का यूनिट है तो बस इसमें यही निकालना था M2। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू